नमस्कार। ये सामने आप ये स्ट्रक्चर देखें और ये देखें, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत गेल इंडिया लिमिटेड के सौजन्य से यहाँ पर डस्टबिन लगाया गया था, लेकिन इस डस्टबिन को शरारती तत्वों ने यहाँ से उखाड़ दिया, गायब कर दिया है। ये जो एरिया है, ये है DLW गेट के ठीक सामने का एरिया। सामने सेंट जॉन्स स्कूल है DLW का, जो कि अब बदल के BLW हो गया है। और ये है डस्टबिन का वो जगह जहाँ पे डस्टबिन लगा हुआ था, लेकिन यहाँ से तोड़ के हटा दिया गया। सिर्फ यही नहीं, आगे और भी स्पेस है जहाँ पर ऐसे डस्टबिन लगाए गए थे, लेकिन उन्हें तोड़ दिया गया है। मैं अभी वीडियो में आगे उस क्लिप को भी दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ आगे भी वो डस्टबिन जहाँ पे डस्टबिन को तोड़ दिए हैं। ये बहुत ही गलत काम लोग करते हैं, ऐसे जो भी शरारती तत्व हैं ये बहुत ही गलत काम करते हैं। शहर के साफ सफाई के लिए ऐसे डस्टबिन लगाए जाते हैं ताकि गार्बेज कूड़े कचड़े उस डस्टबिन में फेंकें, डस्टबिन का यूज़ करें, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, न जाने क्यों ऐसा लोग करते हैं। स्टील के डस्टबिन वहाँ लगाए गए थे पीछे, और आगे भी ऐसा ही डस्टबिन लगा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ तिराए पर भी है, ये बोर्ड लगा है भिखारीपुर लिखा है, इस पर देखें, आगे भिखारीपुर पड़ेगा, ये BLW चौराहा है। देखिए कि यहाँ भी है, यहाँ का भी डस्टबिन निकाल लिया। आगे चलो, ऐसे ही आगे भी एक और दिखाता हूँ, वो आगे बढ़ो, बस रुको, ये देखें, यहाँ पर भी एक शौचालय के सामने ही डस्टबिन है, और इसको निकाल करके उखाड़ करके बगल में रख दिया गया है। ये भी वही गेल इंडिया लिमिटेड के सौजन्य से ही लगाया गया था। अब थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इस डस्टबिन का वास्तविक प्रारूप क्या था, कि वास्तव में ये डस्टबिन कैसे यहाँ लगाए गए थे, नया डस्टबिन कैसा था। ये सीधे सड़क लंका की ओर चली जाती है, पीछे पीछे था, रुको। ये है वास्तविक प्रारूप डस्टबिन का, वास्तव में इसी प्रकार से यूज़ करना चाहिए, न कि पीछे जैसा था। शरारती तत्वों ने जिस प्रकार से तोड़ दिया, ऐसे कृत्य करने से हमें बचना चाहिए, और ऐसे लोग भी जब दिखें तो उन्हें पकड़ करके उचित सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद।